नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और इसी शुभेच्छा के साथ मैं आज का टॉपिक टैक्सेशन ऑफ इंट्राडे शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, क्योंकि शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस के प्रति बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चलते रहते हैं और उन्हीं में से इंट्राडे शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन अपने आप में एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरी रहती है। तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ टैक्सेशन ऑफ इंट्राडे शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आज की इस वीडियो में कवरेज क्या क्या है, यानी क्या क्या प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। व्हाट आर इंट्राडे ट्रांजैक्शंस, इंट्राडे ट्रांजैक्शंस का अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है। वेदर इंट्राडे ट्रांजैक्शंस आर बिजनेस इनकम और दे आर अदर सोर्स इनकम। डू दे जनरेट स्पेक्युलेटिव इनकम और दे जनरेट नॉर्मल बिजनेस इनकम, यानी हमें कोई सट्टे की प्रवृत्ति की आय इंट्राडे ट्रांजैक्शन से होती है या नॉर्मल बिजनेस इनकम होती है। इज देयर स्पेशल टैक्सेशन रेट फॉर इंट्राडे ट्रांजैक्शंस, जब हम शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो क्या उसके लिए कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन भी लॉ में प्रोवाइडेड है। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट पर्पजेस ऑफ इंट्राडे ट्रांजैक्शन, इंट्राडे ट्रांजैक्शंस की यदि आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है तो ऐसी परिस्थिति में उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इंट्राडे ट्रांजैक्शन जो मुझे उपयुक्त लगते हैं मैं वो भी आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, व्हाट आर इंट्राडे ट्रांजैक्शन, इंट्राडे ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है। इंट्राडे ट्रांजैक्शन का मतलब है मैंने सवेरे कोई शेयर खरीदा और शाम को उसको बेच दिया, या सवेरे बेचा और शाम होते होते यानी 3:30 बजे से पहले पहले उसको खरीद लिया। जब मैं किसी शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन में सेम डे अपने सौदे को सेटल करता हूं तो बाय डिफॉल्ट वो इंट्राडे ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। और इंट्राडे ट्रांजैक्शंस को बेसिकली स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन की नज़र से देखा जाता है। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं मैं आगे डिस्कस करूंगा। इंट्राडे ट्रांजैक्शन पे दोस्तों ये प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, वेदर इंट्राडे ट्रांजैक्शंस आर बिजनेस इनकम और दे आर अदर सोर्स इनकम, क्योंकि ये भी अपने आप में एक कन्फ्यूजन रहता है कि साहब मैंने मान लीजिए कुछ ही ट्रांजैक्शन किए हैं, साल में मेरे से 10 ट्रांजैक्शन ऐसे हो गए, मुझे लगा मैं रेगुलर ट्रांजैक्शन करता हूँ, वैसे डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन करता हूँ, पर कोई 5-10 ट्रांजैक्शन मेरे से ऐसे हो गए जिनमें मैंने बेसिकली सवेरे खरीदा और शाम तक बेच दिया और कुछ प्रॉफिट कमा लिया। तो क्यों ना मैं उस इनकम को अदर सोर्स की इनकम के रूप में बता दूं, या जरूरी है क्या कि मैं इंट्राडे ट्रांजैक्शंस की इनकम को बिजनेस इनकम में ही रिपोर्ट करूं। तो मेरा ऐसा मानना है सर कि अगर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन ही हुए हैं, यानी मैं फ्रीक्वेंटली इंट्राडे ट्रांजैक्शन नहीं करता और आपको प्रॉफिट है, तो आप ऐसे प्रॉफिट को अदर सोर्स इनकम में भी दिखा सकते हैं, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं लगती। हाँ, अगर आप फ्रीक्वेंटली इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हैं सर तो उसे बिजनेस इनकम में ही ले जाना चाहिए। एक बात और दोस्तों मैं यहाँ जोड़ूंगा कि इंट्राडे ट्रांजैक्शंस की आय हम कैपिटल गेन हेड में नहीं दिखा सकते, या तो आप उसे बिजनेस इनकम के रूप में दिखाइए या आप उसे अदर सोर्स की इनकम के रूप में दिखाइए। अब जैसा मैंने पहले प्रश्न किया था सर, अब और स्पष्ट रूप से आपके सामने लिखा है, डू दे जनरेट स्पेक्युलेटिव इनकम और दे जनरेट नॉर्मल बिजनेस इनकम। तो एज्यूमिंग दैट कि किसी व्यक्ति ने फ्रीक्वेंसी के साथ में इंट्राडे ट्रांजैक्शन किए हैं तो वो ट्रांजैक्शन से उसको नॉर्मल बिजनेस इनकम होगी या स्पेक्युलेटिव इनकम होगी। तो मेरा बड़ा स्पष्ट राय है, और ये राय दोस्तों मैंने डिराइव करी है सेक्शन 43 क्लॉज 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 से, जो इंट्राडे ट्रांजैक्शन से हुई इनकम को स्पेक्युलेटिव इनकम मानता है। ठीक है, बोले जी क्या फर्क पड़ता है भाटिया जी स्पेक्युलेटिव इनकम हुई तो। अगर इंट्राडे ट्रांजैक्शन से आपको मान लीजिए लॉस हो गया तो वो स्पेक्युलेटिव लॉस है, और प्रॉफिट है तो दोस्तों स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट है, स्पेक्युलेटिव इनकम है। इनकम होने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि मान लीजिए आपको स्पेक्युलेटिव लॉस हो गया, यानी इंट्राडे ट्रांजैक्शन से आपको लॉस है, आप उस लॉस को अपने नॉर्मल बिजनेस की इनकम से, अपने डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन की इनकम से, अपने किसी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, अपने किसी अदर सोर्स की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन के लॉस को केवल स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन की इनकम से ही दोस्तों सेट ऑफ किया जा सकता है। दूसरी बात, यदि आपके पास में स्पेक्युलेटिव इनकम नहीं है, केवल लॉस है, और आप टाइमली रिटर्न भरते हैं, यानी 139(1) की लिमिट में रिटर्न भरते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कैरी फॉरवर्ड करने का राइट भी मिलेगा। परंतु दोस्तों कैरी फॉरवर्ड करने का राइट स्पेक्युलेटिव लॉस के केस में लॉ 4 साल तक सीमित रखता है। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंट्राडे ट्रांजैक्शन से दोस्तों स्पेकुलेटिव इनकम आती है, नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं आती। यहां देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मेरा, इज देयर स्पेशल टैक्सेशन रेट फॉर इंट्राडे ट्रांजैक्शंस? क्या इंट्राडे ट्रांजैक्शंस के लिए कोई स्पेशल टैक्सेशन रेट भी लॉ में दी गई है क्या? चाहे आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, पार्टनरशिप फर्म हैं, कंपनी है, एलएलपी है, दोस्तों इंट्राडे ट्रांजैक्शंस के लिए कोई स्पष्ट से अलग से इनकम टैक्स की रेट नहीं दी गई है लॉ में। इसका मतलब अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं तो स्लैब रेट लगेगी, पार्टनरशिप फर्म है 30% टैक्स रेट लगेगी, कंपनी है तो 25%, 30%, 22% जो भी टैक्स रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, आप उस टैक्स रेट के हिसाब से इंट्राडे ट्रांजैक्शंस के लिए गवर्न होंगे। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टैक्स ऑडिट ऑफ इंट्राडे ट्रांजैक्शंस? पहली बात तो ये दोस्तों कि टैक्स ऑडिट के लिए टर्नओवर की कैलकुलेशन इंट्राडे ट्रांजैक्शंस पे कैसे करनी है, तो इस विषय पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई, लेकिन इस वीडियो में भी कहना चाहूँगा। मान लीजिए मैंने HDFC बैंक का शेयर सवेरे खरीदा 1,00,000 रुपए में टोटल, और शाम होते होते मैंने 1,05,000 में बेच दिया, तो मेरा टर्नओवर है मात्र 5,000। अगले दिन मैंने ICICI बैंक का शेयर खरीदा 95,000 में, और शाम होते होते मैंने उसे 92,000 में बेच दिया, तो मुझे 3,000 का नुकसान हो गया। तो दोनों दिन में मिलाकर दोस्तों 5,000 प्लस 3,000 एब्सोल्यूट टर्म में मेरा टर्नओवर 8,000 हो गया। ऐसा करते करते अगर साल भर का आपका इंट्राडे का टर्नओवर 1 करोड़ प्लस आता है तो बाय डिफॉल्ट टैक्स ऑडिट चाहिए। लेकिन जैसा मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी कहा है कि वित्त वर्ष 19-20 ऑनवर्ड्स अगर आपके इंट्राडे ट्रांजैक्शंस का टर्नओवर 5 करोड़ तक भी है, मैं यहाँ बाकी के ट्रांजैक्शंस को शामिल नहीं कर रहा, अगर वो भी हैं तो वो भी इस 5 करोड़ 1 करोड़ की लिमिट में काउंट होंगे। तो अगर 5 करोड़ रुपए तक का भी आपका टर्नओवर है और आपकी टोटल पेमेंट का और टोटल रिसीट का 5% से ज़्यादा नकद में नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वित्त वर्ष 19-20 के लिए आपको 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर भी ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये मेरा सजेशन जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, आपके पास लॉस भी है और आप सोचते हैं कि मैं रिटर्न नहीं भरूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो सरकार केवल लॉस को नहीं देखती, सरकार ये देखती है कि आपने लॉस की भरपाई कहाँ से करी, कहाँ से पैसा लाए आप लॉस के लिए भरपाई करने के लिए। इसलिए चाहे आपके पास लॉस है, परंतु मेरा ये कहना है दोस्तों ITR तो भरनी ही पड़ेगी। कुछ और क्वेश्चन, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इंट्राडे ट्रांजैक्शन जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, आई थॉट आपके साथ डिस्कस करूं। कैन वी शो प्रॉफिट लॉस फ्रॉम इंट्राडे ट्रांजैक्शन एज अ कैपिटल गेन इनकम? तो मैंने पहले भी उत्तर दिया और अब बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं सर, इंट्राडे ट्रांजैक्शन से हुए प्रॉफिट या लॉस को मेरी ओपिनियन, बड़ी स्पष्ट राय है मेरी, कैपिटल गेन हेड में हम नहीं दिखा सकते। दूसरा प्रश्न, वेदर F&O ट्रांजैक्शंस व्हिच आर सेटल्ड ऑन द सेम डे आर ट्रीटेड एज इंट्राडे ट्रांजैक्शन? फिर मेरी स्पष्ट राय है सर, F&O ट्रांजैक्शन से हुआ प्रॉफिट लॉस चाहे मैं सेम डे क्यों ना सेटल कर दूं दोस्तों, वो किसी भी सूरत में स्पेकुलेटिव इनकम नहीं देगा। इसलिए F&O ट्रांजैक्शन, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन से हुए गेन को नॉन स्पेकुलेटिव मानेंगे। तो ये एसएससी को फायदा है कि उन ट्रांजैक्शन से हुए प्रॉफिट या लॉस को लॉ नॉन स्पेकुलेटिव मानता है, चाहे आप इंट्राडे भी क्यों ना कर लें। कैन वी अवेल द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44(5)? ठीक है, वाइल ऑफरिंग इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रांजैक्शन, मेरी बड़ी स्पष्ट राय है दोस्तों, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन में एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस उपलब्ध होता है, इसलिए शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन से 44(5) में इनकम दिखाना ये मेरी ओपिनियन में तर्कसंगत नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अंत में दोस्तों मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो इंट्राडे ट्रांजैक्शंस पर मैंने बनाई आपके लिए कुछ हद तक लाभकारी रहेगी, आपको इससे कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा। आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स के लिए मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।